ओके हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल सर्वाइवल कैसे प्रमोट करता है uh, जो हमारा क्रिएशन ऑफ स्पीशीज़ है हमको बस इतना देखना है देखो कैसा रहता ना कि इसके लिए दो तरीके हैं एक तो आप बुक uh, का एग्जाम्पल दे सकते हैं डायरेक्टली एंड दैट विल बी मोर देन एनफ मतलब उसी से पता चल रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं ये हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन वेरिएशन से सर्वाइवल कैसे होता है क्या पूछ रहे हैं वेरिएशन से सर्वाइवल कैसे होता है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो जो बुक का एग्जाम्पल है वो सीधा सीधा उठा के आप यहाँ पर डाल सकते हो तो लेट मी जस्ट शो यू बुक का कौन से एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम uh, ये है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हेरीडेटी में नहीं है ये uh, पिछले वाले चैप्टर में है रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको ये वाला पैराग्राफ मिल जाएगा ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा ठीक है पिछला वाला जो प्रैक्ट है तो उसमें एक क्लियर कट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उन्होंने बोला है इफ देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स ये क्या बोल रहे हैं जस्ट इमेजिन कि कोई पॉपुलेशन है जो बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहती है टेम्परेट वाटर मतलब मतलब ऐसा पानी जहां पर कैसा है यू नो एक्सट्रीम काइंड ऑफ टेम्परेचर रहता है गर्मी तो बहुत गर्मी ठंडी तो बहुत ठंडी ऐसा ऐसा uh, कोई टेंपरेट वाटर्स में ये बैक्टीरिया रह रहा है मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंजेस है वहां पर ठंडा है तो बहुत ठंडा है गर्म है तो बहुत गर्म है एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग वो क्या बोल रहे हैं ऐसा सोचो कि वहाँ पर बैक्टीरिया रह रहा है कहाँ पर टेम्परेट वाटर्स में और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई मोस्ट राइट उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा बैक्टीरिया में से मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई क्यों एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गया ना तो टेम्परेचर की वजह से वो मर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बट द फ्यू वेरियंट्स जिनोम में वेरिएशन आया है राइट right? कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन आया था रिप्रोडक्शन के वक्त एंड uh, क्या वेरिएशन था वो रेजिस्टेंट टू हीट वुड सरवाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया देखो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होंगे लेकिन उसमें के कुछ बैक्टीरिया होंगे जो हीट रेजिस्टेंट है कैसे बैक्टीरिया है हीट रेजिस्टेंट है भाई और ये फीचर उनके पास कैसे आया वेरिएशन की वजह से करेक्ट अगर ये वो बैक्टीरिया के पास नहीं होता तो फिर वो भी मर जाते तो इसका मतलब यह है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वेरिएशन का जिससे हमको पता चल रहा है कि सर्वाइवल हो सकता है तो हमने क्या स्टोरी बोली है इसके लिए हमने बोला है कि टेम्परेट वाटर में बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर बढ़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर रहे हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिंदा है कैसे जिंदा है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन दे गॉट ऑफ हीट रेजिस्टेंस राइट और उसकी वजह से सर्वाइवल उनका हो पा रहा है तो इसी को हम क्या करेंगे स्टेटमेंट uh, के फॉर्म में जस्ट वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। क्या लिखेंगे वी विल आंसर या फिर आई विल आंसर आई विल आंसर अब क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल सही है पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट इफ देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वॉटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया Would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. Right? And variation is thus useful for the survival of species over time. वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है टेम्परेट वाटर में हमने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया उड्डाए लेकिन कुछ बच जाएंगे क्यों बच जाएंगे क्योंकि -क्यों उनके पास फ्यू वेरियंट्स हैं जो रेजिस्टेंट है हीट को और वो सर्वाइव कर जाएंगे उस ग्लोबल वार्मिंग को तो वेरिएशन इज दस इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल तो ये कौन से चैप्टर में रिप्रोडक्शन चैप्टर में बस इतना ध्यान में रखो ये हेरिडिटी में नहीं है